हस्बैंड वाइफ रिलेशन को अच्छा रखने के लिए क्या जैन आगम में कोई सोल्यूशन आता है क्या, जानने के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। जैन आगम तो सिर्फ दीक्षा के बारे में बताते हैं, आगमों में सब कहाँ मिलेगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज आपका भ्रम टूटने वाला है। हस्बैंड वाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी बात पर झगड़ा होना। बड़े झगड़े इतने बड़े नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे झगड़े ही कई बार इतने बड़े बन जाते हैं कि अनहोनी चीज़ें घट जाती है। झगड़े का कारण राई के दाने जैसा और परिणाम पहाड़ जैसा। आगम ग्रंथ में एक कथा द्वारा ऐसा सोल्यूशन मिलता है जिससे न सिर्फ हस्बैंड वाइफ बल्कि सास बहु संसार के सभी रिश्तों के झगड़े का भी सोल्यूशन हो सकता है अगर अच्छे से अप्लाई किया जाए। आइए पहले वो कथा देखते हैं, फिर उस कथा से हमें क्या संदेश दिया जा रहा है वो देखेंगे और उसे अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी देखेंगे। आवश्यक निरुक्ति नाम के आगम ग्रंथ में पति पत्नी के रिलेशन के बारे में कथा आती है। एक घी बेचने वाला कपल घी बेचने के लिए बाजू के गांव में गया। घी बेचते समय बैलगाड़ी के ऊपर रही पत्नी और बैलगाड़ी के नीचे खड़े रहे पति से घी का एक घड़ा फिसल गया और टूट गया। पति को गुस्सा आया और उसने पत्नी से कहा, लड़कों को देखना बंद नहीं करती है ना, इसलिए घी का घड़ा टूट गया। पत्नी भी कम नहीं थी, उसने भी कहा, तेरी आंखें कहाँ थी, लड़कियों की तरफ ही ना, तू भी बहुत बार उन्हें देखकर अंधा हो जाता है। बस हो गया आग और बारूद का मिलन। दोनों में भयंकर बोलचाल मारामारी चालू हो गई। झगड़ा इतना भयानक कि दोनों क्रोध की अग्नि में जलने लगे, अंधे हो गए। उन्हें एक दूसरे का चेहरा सिर्फ दुश्मन के रूप में दिख रहा था, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा था। कहते ना, जब दो व्यक्ति झगड़ते हैं तब तीसरा फायदा उठा लेता है, ऐसा ही इधर भी हुआ। नीचे जो घी गिरा था वो कुत्ते ने चाट लिया और बाकी जो घी के घड़े थे वो कपल की मारामारी के दौरान या तो चोरी हो गए या फिर कुछ टूट गए। एक चीज़ पर अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा, हम ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते। क्रोध भले कितना भी आया हो लेकिन कुछ क्षण बाद ठंडा होना ही पड़ता है, क्योंकि क्रोध हमारा असली स्वभाव नहीं है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। शाम के वक्त जब दोनों शांत हुए और अपने घर की ओर निकले तब ऑलरेडी नुकसान तो हो ही चुका था, लेकिन देर हो जाने से रास्ते में जाते वक्त उनके बैल भी डाकुओं ने चोरी कर ली। घर जाकर भी क्या हुआ होगा वो हम कल्पना कर ही सकते। खैर, ऐसी ही एक घटना एक दूसरे कपल के साथ भी हुई। सेम इंसिडेंट, लेकिन फर्क सिर्फ रिएक्शन में था। इस घटना में घी का घड़ा नीचे गिरते ही पत्नी ऊपर से नीचे आ गई और फटाफट मेरी गलती थी कहकर नीचे से घी उठाने लगी। पति भी मेरी गलती है कहकर उसी काम में लग गया। दोनों का थोड़ा भी घी बिगड़ा नहीं और अच्छी कमाई करके दोनों समय पर घर लौटे। हैप्पी एंडिंग हो गई। फर्स्ट कपल और सेकंड कपल में मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना था कि फर्स्ट कपल पार्टनर की गलती देख रहा था और सेकंड कपल खुद की गलती देख रहा था। फर्स्ट कपल की प्रायोरिटी सोल्यूशन की नहीं थी बल्कि ये थी कि गलती किसकी है या घी किसकी वजह से गिरा है, जबकि सेकंड कपल में स्वदोष दर्शन की क्वालिटी दिखी। मेरी गलती से हुआ, इतना कहते ही फोकस सोल्यूशन पर गया और रिएक्शन में तू मैं नहीं हुई और हैप्पी एंडिंग हो गई। इससे भी बड़ी बात यह है कि फर्स्ट कपल ने ईगो साइड में नहीं रखा और सेकंड कपल ने ईगो साइड में रखा। ऐसे बहुत से एनालिसिस इस एक कहानी पर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम रिलेशन अच्छा चाहते हैं तो ईगो साइड में रख कर गलती किसी की भी क्यों ना हो, मेरी गलती है सॉरी, इतना कहते ही तुरंत सोल्यूशन होने की संभावना होती है। हो सकता है गलती सामने वाले की ही हो, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है, किसी की गलती प्रूव करना या सोल्यूशन निकालना? ये ऐसा सोल्यूशन है जो कई लोगों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि ईगो बीच में आता ही है, लेकिन इस सोल्यूशन को श्रद्धा के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सामने वाला धीरे धीरे इस रवैये से बदल सकता है और वो भी इस मेरी गलती है सॉरी इस वाली लाइन में आने की कोशिश करेगा। जय जिनशासन, जय महावीर।